हेलो एवरीवन, दिस इज़ किशोर पाटिल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर साइंस। हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। उसका सेकंड सम देखते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल PTQ इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल STR। PTQ ये ट्रायंगल, STR ये ट्रायंगल, ये दोनों अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। प्रूव करते हैं। नाउ सी हियर, इन ट्रायंगल PTQ एंड ट्रायंगल STR कैन आई से PT इज कॉन्ग्रुएंट, सेगमेंट PT इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ST, PT ST, यस दैट इज गिवन। एंड सेगमेंट QT इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RT। देखो QT सिंगल आइडेंटिकल मार्क, RT सिंगल आइडेंटिकल मार्क, ये दो तो गिवन है। ओके, एंड एंगल PTQ मतलब ये वाला PTQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल STR, STR मतलब दिस वन, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा क्यों ऐसा? बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो, एक साइड एंगल और ये साइड, इससे कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड से। देयरफॉर ट्रायंगल PTQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल STR, और रीजन आएगा साइड एंगल साइड, रीजन आएगा SAS, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके, एंड वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट मीन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू प्रूव दैट एन ट्रायंगल LMN इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल PNM। इसको प्रूव करना है, LMN PNM। इसको मैंने एक सेपरेट दो ट्रायंगल्स बना के दिखाता हूं। यहां पे देखो, दूसरा ट्रायंगल हो गया यहां पे, यह है एम, यहां पे एन, यहां पे एल, LMN ये वाला, और ये जो दूसरा है दिस वन इज PNM, बराबर। अच्छा, इसमें ये एंगल साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट गिवन है, एज वेल LN एंड PM कॉन्ग्रुएंट है। LN दिस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू PM, ओके, और MN एंड MN ये तो एक ही है, MN कॉमन साइड। तो ये दो ट्रायंगल कैसे हुए? आर कॉन्ग्रुएंट बाय यूजिंग SSS, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। क्वेश्चन ऐसा है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो एंड कॉन्ग्रुएंट कंपोनेंट्स को भी लिखो। सो इन ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल PNM, LN सेगमेंट LM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PN, सेगमेंट LN इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PM, LN PM, ये दो पार्ट तो गिवन है। एंड सेगमेंट MN इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट MN, खुद से कॉन्ग्रुएंट है, रीजन आएगा कॉमन साइड, कॉमन साइड। देयरफॉर ट्रायंगल LMN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PNM, रीजन आएगा SSS, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। और अपने को सबको पता है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, सो देयरफॉर एंगल L इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P,
ये तो पूरे थ्री लेटर्स में लिखते हैं एंगल, इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या आएगा, एम एल एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, एल को लिया ना तो पी को लेते हैं, दैट इज एन पी एम एंगल। अब इसको लेते हैं, इसको एंगल एल एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एन एम, और बचा कौन सा, इसको तो लिया हम लोगों ने, तो बचा ये वाला थर्ड वन, तो एंगल इसका नाम क्या है, एल एन एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, इसका क्या नाम है, पी एन पी एम एन पी एम एन। देखो एल एम एन बीच में एक बार आ गए, पी एन एम अलग अलग बीच में एक बार आ गए, और सबका रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके लिखो, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। फिगर गिवन है, गिवन दैट एंगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट पी क्यू, पी क्यू सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर क्यू, आर क्यू ये सेगमेंट और ये सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल पी क्यू टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर क्यू एस, पी क्यू टी ये वाला एंड आर क्यू एस, आर क्यू एस एस ये वाला, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ऐसा प्रूव करना है। मैं उनको ऐसा सेपरेट करता हूँ, वो देखो अर्जुन ऐसे बराबर आँख में निशाना लगाता ना, वैसे मैं जितना चाहिए उतना देख के उसको सेपरेट कर देता हूँ। ये यहाँ पे हुआ मेरा फर्स्ट ट्रायंगल क्यू टी पी, और दूसरा ट्रायंगल मैं यहां पे भेजता हूं क्यू एस आर, बराबर क्यू टी पी ये वाला एंड क्यू एस आर ये वाला, बराबर। अब दिया ऐसा है, दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन, ओके दिस सेगमेंट पी क्यू, पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू, ठीक है, एंड ये क्यू और ये क्यू ये दोनों तो एक ही है, बराबर ना, देखो दोनों ट्रायंगल कैसे हुए, ए एस ए। अच्छा तो लिखते हैं प्रूफ, प्रूफ इन ट्रायंगल पी क्यू टी एंड ट्रायंगल आर क्यू एस, एंगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर क्यू, एंड ये दो पार्ट तो गिवन है, गिवन। अच्छा रीजन लिखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा लिख रहे हैं हम लोग, एंड एंगल क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू विच वन इज कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर क्यू एस, और रीजन आएगा ए एस ए टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अंडरस्टूड, छापो। सी प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3, फर्स्ट क्वेश्चन, फिगर इज गिवन एंड दे हैव आस्क फाइंड एंगल ए बी डी, ए बी डी ये पूरा एंगल फाइंड करना है, एंड ए सी डी, ए सी डी ये पूरा एंगल फाइंड करना है। अच्छा अगर इसको फाइंड करना है, ये 60 हाफ पार्ट तो गिवन है, तो एक्स का वैल्यू अगर मुझे मिल गया तो ये पूरा एंगल मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल एक्स अगर 40 है तो ये 60 और ये 40 टोटल हो गया 100, ये अगर 60 है तो ये 60, ये 60 टोटल हो गए 120, तो ये तो मुझे आराम से मिलेगा, मुझे x का वैल्यू चाहिए और यहाँ पे मुझे y का वैल्यू चाहिए, बराबर। अब इसको देखो, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी ये तो गिवन है, बराबर। अच्छा देयरफॉर, देयरफॉर एंगल, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 50। अच्छा ये क्या बोल दिया मैंने,
देखो किसी भी ट्रायंगल में, आइसोस्केलस ट्रायंगल में अगर दो साइड कॉन्ग्रुएंट है तो बेस एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ये 50 है तो ये भी तो 50 रहेगा। रीजन है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी बराबर। अच्छा देयरफॉर अगर x 50 है तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू, ए बी डी इज इक्वल टू ये 50 और ये 60, 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 110 एंगल ए बी डी 110 डिग्री। ओके सिमिलरली इसमें देखो इन ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी, डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी देयरफॉर वो आइसोस्केलस। तो ये 60 है तो ये भी क्या आएगा 60, तो टोटल क्या आएगा 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 110। वेरी गुड, रिमेनिंग आप अपने मन से लिख लेना, देखो एकदम सिंपल ही। ओके छाप लो इसको। ओके लेट अस सी द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। गिवन दैट दिस वन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, व्हाट डू यू मीन बाय राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन वन एंगल इज 90 डिग्री राइट एंगल, एंड क्यू एस इज मेडियन। देखो ना पी एस एंड एस आर इक्वल है, इसका मतलब क्यू एस इज द मेडियन, एस इज द मिड पॉइंट, एंड वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ क्यू एस गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल टू 12, क्यू आर इज इक्वल टू 5। अच्छा अपने पास एक थ्योरम है, क्या थ्योरम है, मेडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कहां पे आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में आएगा, दूसरे किसी ट्रायंगल में हाइपोटेनस नहीं रहेगा। मेडियन ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, मतलब इसका लेंथ हाइपोटेनस से हाफ रहेगा। अगर हाइपोटेनस से 20 तो क्यू एस रहेगा 10, अगर हाइपोटेनस से 15 तो क्यू एस रहेगा हाफ मतलब 7.5, अगर पी आर है हाइपोटेनस है 14 तो क्यू एस रहेगा 7 बराबर। तो इसका मतलब अगर मुझे पी आर मिल गया तो मेरा काम हो गया, पी आर फाइंड करते हैं। फॉर दैट पर्पज ये फिगर थोड़ा सा केयरफुली देखो, इतना ये दिया है 12, ये दिया है 5, एक्चुअली थोड़ा सा फिगर गलत हुआ है पर समझ लो। अच्छा ये है क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और फॉर फाइंडिंग द हाइपोटेनस वी कैन यूज विच थ्योरम, यस वेरी गुड, विच थ्योरम वी कैन यूज, वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। चलो यूज करते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम क्या है पाइथागोरस थ्योरम, पी आर स्क्वायर। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, इस फॉर्म में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर दैट मीन पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर हाइट स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, 12 इंटू 12 5 स्क्वायर दैट इज 25, इट इज 169, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट पी आर इज इक्वल टू 13। तो ये तो मिल गया मुझे पी आर 13, मतलब हाइपोटेनस मिल गया 13, तो व्हाट अबाउट क्यू एस, तो यहां पे मैं लिखता हूं वी नो दैट मेडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। अच्छा इसका मतलब हुआ देयरफॉर क्यू एस इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनस दैट इज पी आर, सो इज इक्वल टू हाफ इंटू 13 इज इक्वल टू 6.5, क्यू एस इज 6.5, वॉट आर बी द यूनिट।
यहां पे मैं लिखता हूं यूनिट, यहां पे भी लिखते हैं यूनिट। ओके छापो, लेट अस सी फोर्थ क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 व्हिच वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट अ ट्रायंगल इज देयर, पॉइंट जी, दिस पॉइंट पॉइंट जी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियंस। ये क्यू एज्यूम करते हैं, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, तो पी टी क्यू ए एंड आर बी आर द मीडियंस, तो उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है जी। ओके एंड जी टी, जी टी यहां से यहां से यहां तक दिया है 2.5, दिस वन इज 2.5। फाइंड पी जी, पी जी एंड पी टी, पी टी ये अपने को फाइंड करने है। अच्छा गिवन क्या है, गिवन ऐसा है जी, जी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मेडियंस, तो मेडियंस का जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड, दैट मीन जी इज द सेंट्रोइड। ओके एंड वी नो दैट सेंट्रोइड डिवाइड्स, सेंट्रोइड डिवाइड्स मेडियंस इन द रेशियो 2:1। अच्छा 2:1 का क्या मतलब है, मैं इसको थोड़े टाइम के लिए रब करता हूं। तो ये जो सेंट्रॉइड है ये मेडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, मतलब इतना पार्ट अगर 2 है तो ये पार्ट रहेगा 1, इतना पार्ट है 4 तो ये पार्ट रहेगा 2, हाफ उसका। और उल्टा क्या होगा, अगर ये 3 है तो ये रहेगा 6, बी जी अगर 3 है तो जी आर रहेगा 6, अगर जी ए, जी ए 2 है तो क्यू जी रहेगा 4, अगर जी टी 5 है, जी टी 5 है तो पी जी रहेगा 10, उसका डबल 1:2, एक है तो ये डबल रहेगा 2, बराबर। अच्छा इसका मतलब क्या ना, इसे देयरफॉर आई कैन से पी जी इज इक्वल टू 2 जी टी, देखो ना पी जी, पी जी इज इक्वल टू 2 जी टी, इससे ये डबल इज इक्वल टू 2 जी टी मतलब 2.5 इज इक्वल टू 5, सो पी जी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। अच्छा पी जी मिल गया, अब फाइंड करना है एंड एंड पी टी इज इक्वल टू, ये पी टी है, पी टी इज इक्वल टू पी टी, ये पूरा ना यहां से यहां तक पी जी प्लस जी टी, पी जी प्लस जी टी इज इक्वल टू 5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 7.5 यूनिट्स पी टी। अंडरस्टूड, छापो। प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 फर्स्ट सम, फिगर गिवन है और गिवन है पॉइंट ए, पॉइंट ए लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एंगल के बाइसेक्टर पे लाइज कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, बराबर। अच्छा अगर ऐसा है तो देयरफॉर ए इज, पॉइंट ए, पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम साइड्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड एंगल के जो भी साइड्स है दोनों, एक्स वाई ये साइड और वाई जेड ये साइड, इससे पॉइंट ए इक्विडिस्टेंट रहेगा, इसका मतलब एक्स ए इज इक्वल टू जेड ए, एक्स ए इज इक्वल टू जेड ए। अच्छा देयरफॉर बर एक्स, एक्स ए का मतलब तो 2 है, ये तो गिवन है, तो जेड ए कितना हुआ, देयरफॉर जेड ए इट इज ऑल्सो 2 यूनिट्स। ओके दैट वी हैव टू प्रूव। लेट अस सी फोर्थ सम, ट्रायंगल इज गिवन, इन दिस ट्रायंगल ए एफ एन एंगल ए इज 40, एंगल एफ इज 80 एंड वी हैव टू फाइंड ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड। अच्छा फॉर द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड वी हैव टू फाइंड ऑल 3 एंगल्स, दो एंगल तो गिवन है, थर्ड फाइंड कर देते हैं। वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट
sum of measures of three angles of a triangle is, yes, what is the sum of the three angles of a triangle? Is 180. Very good. Is 180. Therefore, I can write angle A plus angle F plus angle N is equal to 180. Let us substitute the values. 40 plus 80, F is 80, plus angle N is equal to 180. 40 plus 80, that means 120. Therefore, I can write here 120 plus angle N is equal to 180. 120 यहाँ पे plus है, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, become minus. अच्छा, therefore angle N is equal to 180 minus 120. Plus था, यहाँ पे आएगा, तो minus बनेगा. Therefore angle N is equal to 60 degree. अच्छा, तो ये मिल गया मुझे 60. And now we have side opposite to greater angle is greater. ये सबसे biggest largest angle है तो उसका opposite का side भी सबसे largest रहेगा. ये सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है तो उसका अपोजिट का साइड भी सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा. अच्छा, एंड सिंस एंगल एफ इज ग्रेटर देन एंगल एन इज ग्रेटर एंगल ए, देयरफॉर एफ इज ग्रेटर देन एन इज ग्रेटर देन ए, तो इसका अपोजिट का साइड ए एन, देयरफॉर एन इज ग्रेटर देन एन का अपोजिट साइड एफ इज ग्रेटर देन A के अपोजिट साइड मतलब Fn. Therefore, greatest side. Yes, which one is the greatest side? It is An and smallest side is equal to Fn. Now let us see seventh sum. Figure given है and we have to show that segment PS is greater than PQ. PQ से PS greater ऐसा अपने को show करना है. Okay, now in triangle PQR, PQ is congruent to PR. PQ is congruent to PR. देखो ना, double identical mart given है. अच्छा, इसका मतलब ये triangle कौन सा हुआ? Isosceles triangle. Therefore, can I say angle PQR is congruent to angle PRQ. PQR ये वाला and PRQ ये वाला, ये दोनों congruent रहेंगे. Reason आएगा isosceles triangle theorem. अच्छा, very good. अब यहाँ पे देखो, and angle PRQ ये वाला, देखो मैं फिगर यहां पे ड्रॉ करता हूं, छोटा सा देख लेना केयरफुली. यहां पे R, यहां पे S, यहां पे Q और यहां पे P. ये क्या हुआ? ये तो हुआ एक्सटेरियर एंगल. एंगल PRQ इज एन एक्सटेरियर एंगल of triangle PRS. इसका ये exterior है and अपने को एक exterior angle का एक theorem अपने को add है. क्या theorem है? इसका measurement आएगा ये और ये, इन दोनों का sum. इसका measurement इन दोनों का sum रहेगा. assume करते कि ये 20 है, ये 30 है, तो ये आएगा 50. 20 से दोनों का sum आएगा. इसका मतलब इनका मेजरमेंट कुछ भी होने दो, ये इन दोनों से बिगर ही रहेगा, बराबर ना? अच्छा, देयरफॉर एंगल पीआरक्यू इज ग्रेटर देन एंगल पीएसआर.
PSR, इससे ये बिगर ही रहेगा क्योंकि इन दोनों का सम है ना, ये 2 पकड़ लो, ये 30 फिर भी ये 32 होगा, इससे तो बिगर ही रहेगा बराबर। अच्छा ऐसा गिवन है, देयरफॉर PRQ एंड PQR तो सेम सेम है, तो इसके जगह पे इसको लिखता हूं, इसके जगह पे इसको लिखता हूं, देयरफॉर एंगल PQR इज बिगर देन एंगल PSR। ओके अब मुझे रिक्वायर्ड जो पार्ट है उसको मैं लिखता हूं। नाउ इन ट्रायंगल इसको मैं रब करता हूं, इन ट्रायंगल PQS, बोलो क्या क्या है, PQR यहां पे R था ना, PQR मतलब ये एंगल PSR इससे बिगर है, ये बिगर है, ये स्मॉलर है, एंगल PQR इज बिगर देन एंगल PSR, ये बिगर है, ये स्मॉलर है, अगर ये बिगर है और ये स्मॉलर है तो इसका अपोजिट साइड इज बिगर देन इससे अपोजिट साइड, देयरफॉर सेगमेंट PS, इसका अपोजिट साइड PS, इट मस्ट बी बिगर देन सेगमेंट PQ, ये इससे बिगर रहेगा। Let us see practice set number 3.5, second question. Given that triangle XYZ is similar to triangle PQR, अगर दो ट्रायंगल congruent है तो उसके एंगल्स congruent रहेंगे, साइड्स congruent रहेंगी, अगर congruent है तो। पर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर congruent, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर congruent, therefore angle x is congruent to angle p, angle y is congruent to angle q, and angle z is congruent to angle r, and their corresponding sides are in proportion, if two triangles are similar therefore xy upon pq is equal to yz upon qr is equal to xz अपॉन पी आर। अगर आपको इसमें डाउट है प्रॉपर्टी में तो प्रॉपर्टी का एक सेपरेट वीडियो है उसको देख लो। ओके नाउ गिवन जो जो है उसको लिख लेते हैं, देयरफॉर एक्स वाई 4 पी क्यू 8 वाई जेड 6 क्यू आर फाइंड करना है, एक्स जेड 5 एंड पी आर फाइंड करना है। चलो इसको थोड़े टाइम के लिए हाइड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, देयरफॉर 4 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू 8 इंटू 6, देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 8 इंटू 6 अपॉन 4, मल्टीप्लाई था यहां पे डिवाइड हुआ, 4 वन जा 4 टू जा 6 टू जा 12, देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके सिमिलरली वी कैन फाइंड पी आर ऑल्सो। नाउ इसको हाइड करते हैं, इसको हाइड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर 4 इंटू पी आर इज इक्वल टू 5 इंटू 8, देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 5 इंटू 8 अपॉन 4, 4 वन जा 4 टू जा, देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 5 टू जा 10 सेंटीमीटर। ओके अगर आप केयरफुली देखते हो ना तो ये 4 है तो ये 8 है, ये 6 है तो ये 12 आया है, देखो ये 5 तो ये 10 आया, देखो डबल डबल डबल, 4 टू जा 8, 6 टू जा 12, 5 टू जा 10। तो हमेशा सिमिलर ट्रायंगल्स में ऐसा ही रहता है, एक रहेगा डबल है तो डबल 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 डबल, हाफ है तो हाफ 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 हाफ, थ्री टाइम्स है। अगर ऐसा एज्यूम करते हैं ये 4 है और यहां पे 12 है, 6 है यहां पे 5 है, एज्यूम करते हैं ये 4 है तो ये 12 है, तो ये कितना रहेगा, 4 3 जा है तो ये आएगा 6 3 जा 5 3 जा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ओरली हम लोग लिख सकते हैं। अरे धन में ओके दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर ट्रायंगल, थैंक यू, लिख लो।
If you like the video, then like it, share it and subscribe it. Don't forget to click on bell icon.